जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो हुकूमत आयनिक रेडियस के बारे में कहां से पढ़ा रहा था। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस में मैंने आपको बताया था कि आयनिक रेडियस दो टाइप की होती है, एक होता है किट आयनिक और दूसरा होता है एनायनिक। कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस जो होती है डियर स्टूडेंट्स, उन दोनों का अगर डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैटायनिक रेडियस की जो साइज होती है पैरेंट एटम रेडियस से हमेशा कम होती है, जबकि आयनिक रेडियस की साइज होती है पैरेंट एटम रेडियस से एनायनिक रेडियस ज्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसी को हम डिटेल एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। अच्छा, कोई पूछे कि आयनिक रेडियस किससे कहते हैं, तो आप आयनिक रेडियस की डिवीजन पढ़ चुके हो। द इफेक्टिव साइज, द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इफेक्टिव बोलेंगे, अगर इफेक्टिव वर्ड नहीं बोलोगे तो डिफिनेशन गलत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर आप सबसे पूछे व्हाट इज आयनिक रेडियस, तो आप बोलोगे द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज नोन एज आयनिक रेडियस। इफेक्टिव वर्ड वहां पर बोलना जरूरी है, ठीक है। अब कैटायंस कैसे बनते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, है ना। और एनायन कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। हमको ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो पैरेंट एटम की रेडियस होती है वो कैटायनिक रेडियस से हमेशा ज्यादा होती है, और जो एनायनिक रेडियस होती है वो पैरेंट एटम की रेडियस से ज्यादा होती है। कैसे होती है, आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैटायनिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, कैटायनिक। एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सबको पता है कि सोडियम में तीन सेल होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यहां देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसमें सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2, 8, 1, ठीक है। अगर मैं यहां बोलूं कि ईच इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, तो उसको बोलते हैं Z/E रेशियो, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन पर इलेक्ट्रॉन। Z/E को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन पर इलेक्ट्रॉन। क्या लग रहा है, जब देखा जाए यहाँ पे जेड के मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने अभी 11 है, तो कितना हो गया 1। यहाँ पे ईच इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, वो कितना है 1 का, ठीक है। मतलब कि 1 के पावर से ये न्यूक्लियस सारे एक एक इलेक्ट्रॉन को इधर से खींच रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, पहले ये सोडियम था, अभी किसमें नॉट हो गया, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s0। अब देखिए ये 2 रह गया, ये 8 रह गया, ये कितना हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 2, 8। ये सेम इलेक्ट्रॉन रहेगा, साइज डिक्रीज हुई कि नहीं। अब यहाँ जरा Z/E की वैल्यू निकाल लो, यहाँ Z/E की वैल्यू निकालोगे तो क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पे जो Z/E की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जेड की वैल्यू 11 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना हो गया 1.1। तो जरा बताइए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ कि नहीं इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया। तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, बढ़ गया तो क्या हो गया, साइज कॉम्पैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यही रीजन है कि किसी भी कैटायन की पैरेंट एटम की साइज उसके कैटायन के साइज से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, या यूं कह लीजिए कि कैटायन की साइज उसके पैरेंट एटम से छोटी होती है। उसका रीजन है ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन पर इलेक्ट्रॉन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्टिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लोअर देन द इट्स पैरेंट एटम, ठीक है। ये तो कैटायन के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे आप Z/E की वैल्यू निकाल के दिखा दो, आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। Z/E की वैल्यू निकालोगे ना, चलो अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है
एनायन के लिए, एनायन के लिए देखते हैं, एनायन के लिए देखोगे एक फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, ये देखिए 2-7 फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2 2s2 2p5 ये देखिए 2 और ये हो गया 7, ठीक है। अभी जेड बाई ई की वैल्यू यहां पर निकाली जाएगी तो 9/9 आएगा, दैट इज 1 आएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड कर दिए तभी तो एनायन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर अब क्या हो गया, अब 2 और 8 हो गया, तो क्या हो गया F माइनस हो गया 9, अब हो गया 1s2 2s2 2p6 2 और यहां पे कितना हो गया 8 हो गया। जेड बाई क्यू जल्दी से निकाल लो, जब भी आप कटायन आयन का कांसेप्ट पूछे तो जेड बाई क्यू निकाल लो, यहां हो गया 9 और यहां हो गया 10, कितना हो गया 0.9। पहले जेड बाई कितना लगा था, 1 का लग रहा था, अभी जेड बाई कितने का लग रहा है, 0.9 का। तो ईच इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया या घट गया, सिंपल सी बात है सर, घट गया। तो ये क्लियर हो गया कि एनायन की केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसी को बोलते हैं जेड बाई रेशियो इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया, 0.9 लग रहा, पहले कितना लग रहा था, 1 लग रहा था, फोर्स कम हो गया, तो चीजें जो चीज अट्रैक्ट कर रही थी वो अट्रैक्ट उतनी तेजी से नहीं कर रही, तो साइज बढ़ गई। समझ में आया कि नहीं आया, वो पहले वाले में क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था कैटायन के केस में, तो अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा था तो साइज छोटी हो जा रही थी, यहाँ अट्रैक्शन पावर घट रहा है तो साइज बड़ी हो जा रही है, तो एनायन की साइज बड़ी होती है और कैटायन की साइज छोटी होती है। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का लेते हैं, किसका, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब होता है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये भी आयंस का सीरीज है, यहां देखिए कार्बन -4 नाइट्रोजन -3 ऑक्सीजन -2 फ्लोरीन -1 सोडियम +1 मैग्नीशियम +2 एल्युमिनियम +3 और सिलिकॉन +4 ये, ठीक है। इसका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अब हमको इनको साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये नीट का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कुछ नहीं करना डी एस में, सबकी जेड की वैल्यू लिख लो पहले, इसकी 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 14 जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स देख लो, इलेक्ट्रॉन्स पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एनायन है तो ऐड हो जाता है, तो 6 और +4 कितना हो गया 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ 10, यहाँ अगर कैटायन होता है तो डिक्रीज कर जाता है 10, 10, 10, 10, इसीलिए इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, क्योंकि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, ठीक है। अब सबकी जेड वाई की वैल्यू निकाल लो, जेड वाई की वैल्यू निकालो, क्या है जेड वाई की वैल्यू, जल्दी निकालते जाओ, इसकी जेड वाई की वैल्यू 6/10 दैट इज 0.6, इसकी 7/10 दैट इज 0.7, इसकी 8/10 दैट इज 0.8, इसकी कितनी हो जाएगी 0.9, इसकी कितनी हो जाएगी 1.1, इसकी हो जाएगी 1.2, इसकी हो जाएगी 1.3, इसकी हो जाएगी 1.4। अब ये जेड बाई ई की वैल्यू आपको दिख रही होगी सबकी, मैंने एक टाइम बता दिया कि आयनिक रेडियस जो होती है जेड बाई ई की वैल्यू का रेसिप्रोकल होती है, जेड बाई ई की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेडियस कम हो जाएगी, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसका रेसिप्रोकल होती है। तो बताइए ये सब के सब के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सबसे बड़ी साइज किसकी हो, सबसे सबसे बड़ी साइज उसकी होगी जिसकी जेड बाई ई की वैल्यू कम होगी, उसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, तो जेड बाई ई की वैल्यू ज्यादा किसकी है, इसकी देखिए इसकी 0.6 है, वैसे कितनी है 1.4। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में, ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं तो जिसपे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा क्या होगा, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज इतनी बड़ी होगी, तो ये लार्जेस्ट साइज
और ये स्मॉलेस्ट साइज, ये अरेंज करने के लिए डीएसपेंट आता है। तो अगर मैं कहूँ और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन है, माइनस टू और एफ के बीच में, तो सिंपल सी बात है, इसके लिए 0.8 है, इसके लिए 0.9 है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ ज्यादा है तो साइज छोटी हो जाएगी। एक चीज ये दिमाग बैठा दीजिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही साइज को डिसाइड करेगा जब भी आयनिक कंडीशन देखेंगे। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक केस में आपको एक कंक्लूजन निकल गया कि साइज पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर घटती है, निगेटिव चार्ज बढ़ने पर बढ़ती है। देखा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इधर से इधर जाने पर साइज घट रही है, इधर से इधर आने पर साइज क्यों, क्योंकि यहां पे जेड बाई ई की वैल्यू घट रही है जबकि यहां पे जेड बाई ई की वैल्यू बढ़ रही है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखिए इधर की तरफ बढ़ता जा रहा है और इधर की तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी छोटी होगी, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज उतनी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग अगला टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने चल रहे हैं, तो हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का कांसेप्ट कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी होती क्या है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए हमको दो चीजों को ध्यान देना होगा, आइए देखते हैं जो अगला टॉपिक है। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको। अगला टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आप इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कहिए या कहीं कहीं आपको लिखने मिलेगा आयनाइजेशन एनर्जी, या फिर कहीं कहीं मिलेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल ठीक है, इसको ऐसे भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करा हुआ मिलेगा या डेल्टा आई एच लिखा हुआ मिलेगा। तो डेल्टा आई एच लिखा हो या आई ई लिखा हो या फिर आई पी लिखा हो, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी की जो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ने चले गए स्टूडेंट्स वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को आयनाइजेशन आई ई से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा आई एच या आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आइए बात शुरू करते हैं स्टूडेंट्स कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मान लेते हैं कोई मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में। ठीक है, सबसे पहले हमको आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए आइसोलेटेड गैसेस एटम आइडेंटिफाई करना होगा। आइसोलेटेड गैसेस एटम क्या होता है, तो किसी भी सॉलिड से आइसोलेटेड गैसेस में एटम कन्वर्ट करने के लिए बिना हम इसको सबलाइम किए इसको हम सब्लिमेशन एनर्जी देंगे। क्या देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ये कन्वर्ट होगा गैसियस में। ठीक है, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये एक आइसोलेटेड गैसेस एटम हो गया। ठीक, ये क्रिस्टल था, मेटालिक क्रिस्टल था। ठीक, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में, अब ये आइसोलेटेड गैसेस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, या एन इलेक्ट्रॉन निकालना, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके लिए जो एनर्जी लगती है उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बोलते हैं क्या, बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ये है amount of energy required, the amount of energy required to remove an electron, ये क्या है, to remove an electron, the amount of energy required to remove an electron कहां से,
फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम, एंड आइसोलेटेड गैसेज एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर क्या कह सकते हैं आइसोलेटेड. अब यहाँ देखिए, अगर आप बात करेंगे कि आइसोलेटेड गैस एटम है, तो अभी यहाँ देखिए ग्राउंड स्टेट में, इसमें कोई चार्ज नहीं है. एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट. तो डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए. आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा. इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब वो एटम सॉलिड स्टेट होगा तो नहीं निकलेगा, गैस एटम में होना चाहिए. तो पहले क्या करेंगे, किसी भी एटम को पहले सबलाइम करके गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे. गैस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इन ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो आई होप कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. फिर से देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी. डेफिनेशन क्लियर है. और एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना, विड्रा करना, विड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेज एटम इस आयनाइजेशन एनर्जी टर्म का है. तो आयनाइजेशन एनर्जी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैटायंस बनते हैं. क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो क्या बनेंगे, कैटायन बनेगा. हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. दूसरा निकल रहा है तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकल रहा है तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, चौथा निकल रहा है तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतने ही एनर्जी का टर्म बढ़ता जाएगा. आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्या होती है, ये क्लियर हो गया होगा. क्लियर है कि किसी भी आइसोलेटेड गैस एटम जो कि उसके ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि अभी उसमें से ना एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ग्राउंड स्टेट में है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिए. फिर आगे मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ उसके बारे में कि ये अब आप उसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत लगती है, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है, बता चुका हूँ. इसकी यूनिट की बात करें अगर डियर स्टूडेंट्स, यूनिट देखें तो यूनिट जो होती है किलोजूल पर मोल, या फिर कैलोरी कैलोरी पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. नोट कर लीजिए, इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या क्या होगी, नोट कर लिया आपने, इसकी यूनिट हो जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट हो जाएगी किलो जूल पर मोल, या किलो कैलोरी पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल. नोट कर लीजिए डिवीजन, किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल बन लीजिएगा, पर एटम लिख लीजिएगा. ठीक है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिएगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कन्वर्ट करने की नोट करिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होता है वो बराबर होता है 96.49 किलो जूल पर मोल. इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर हमको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो 96.49 से मल्टीप्लाई करना होगा. ध्यान रखिएगा 96.49 से एक इलेक्ट्रॉन, ये पैरामीटर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. या अगर किलो कैलोरी में करना है तो ये होता है 23.06 किलो कैलोरी पर मोल. तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना किलो जूल पर मोल, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा. और ये 23.06. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट. ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्लियर होगी. अच्छा, अब ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर ये मिनिमम एनर्जी है या मैक्सिमम एनर्जी है, तो ये मिनिमम एनर्जी है, इट इज द मिनिमम एनर्जी, नॉट मैक्सिमम एनर्जी. मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड. आप एक टर्म और यूज कर सकते हो कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, भाई सबसे पहला इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा क्योंकि न्यूक्लियस सबसे दूर है. तो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वो क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है.
ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए जो यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम 96.49 किलो जूल पर मोल या 23.06 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो आई होप कि आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। अब इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसके बारे में कल के वीडियो लेक्चर की लाइव क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, इससे नोट्स बना लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।